नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाई हूँ, प्री डीएलएड का, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न जो है वो कैसे आते हैं। तो आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। जो अपादान तत्पुरुष समास है उसका सही शब्द, ऑप्शन ए रोगमुक्त, ऑप्शन बी रस भरा, ऑप्शन सी रोगग्रस्त, ऑप्शन डी मदमाता। तो अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द होगा रस भरा, रस से भरा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से देशज शब्द चुनिए। देशज मतलब जो हमारे देश का है। ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी अक्षी, ऑप्शन डी रबक। तो देशज शब्द जो हमारे देश का है वो है चिड़िया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन शब्द विदेशी नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन विदेशी नहीं है। विदेशी बाहर से आया हुआ, दूसरे देश से आया हुआ शब्द। तो यहाँ पे पूछ रहा है विदेशी नहीं है, लास्ट में आपको देखना है नहीं है। ऑप्शन ए अलमारी, ऑप्शन बी जवाहिर, ऑप्शन सी चुगुल, ऑप्शन डी तरफ। तो विदेशी शब्द पहले हम अलग कर लेते हैं, फिर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। अलमारी विदेशी है, जवाहिर विदेशी है, तरफ भी विदेशी है, लेकिन जो चुगुल है वो है हमारा देसी। तो निम्नलिखित में से कौन शब्द विदेशी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा चुगुल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण नहीं है। परिमाण जहाँ से मात्रा का पता चल रहा है, लेकिन लास्ट में पूछ रहा है नहीं है। तो आइए देखते हैं भाई किस में नहीं है। ऑप्शन ए हमने नाटक का पूरा आनंद लिया, ऑप्शन बी उसे 10 गज जगह मिली, ऑप्शन सी कक्षा में 100 छात्र उपस्थित थे, ऑप्शन डी उसने अपना सब धन गरीबों में बांट दिया। तो देखते हैं किसमें परिमाण बोधक विशेषण है, उसके बाद फिर पता चल जाएगा कि किसमें नहीं है। तो नीचे से आते हैं, सब धन परिमाण पता चल रहा है, 100 छात्र इसमें भी पता चल रहा है, 10 गज इसमें भी पता चल रहा है, लेकिन ऑप्शन ए हमने नाटक का पूरा आनंद लिया इसमें मात्रा जो है परिमाण पता नहीं चल रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द चुनिए। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा जो है वो 5 प्रकार की होती है, उसमें से भाववाचक संज्ञा आपको यहाँ पे चुनना है। ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन बी वसन, ऑप्शन सी कपड़ा, ऑप्शन डी पहरावा। तो भाववाचक लास्ट में जो वर्ड है वो कुछ जुड़ जाते हैं, वो इसमें से रहेगा भाववाचक पहरावा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के पश्चात जुड़ने वाला अक्षर या अक्षर समूह क्या कहलाता है। उपसर्ग संधि प्रत्यय समास। तो शब्द के पश्चात जो शब्द जुड़ते हैं उसे कहा जाता है प्रत्यय, और जो पहला जुड़ता है वो कहलाता है उपसर्ग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सतखंडा में कौन सा समास है। सतखंडा सात है खंड, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो सतखंडा में समास रहेगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द, लालच लिप्सा इच्छा जिज्ञासा। तो लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द है लिप्सा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्म कारक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, आइए देखते हैं किसमें हुआ है। शिकारी ने बाघ मारा, ऑप्शन बी उसने टेढ़ी चाल चली, ऑप्शन सी लड़का पेड़ से गिरा, ऑप्शन डी राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। तो कर्म कारक का प्रयोग हुआ है ऑप्शन ए में, शिकारी ने बाघ मारा। शिकारी ने किसको मारा, बाघ को मारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द चुनिए जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ है, 29 उल्टा उल्का उपमा। तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है 29 में, उन अलग है और 30 अलग है, दोनों जुड़कर एक साथ हो गए हैं। लास्ट में देखिए 30 जुड़ा है तो वो प्रत्यय हो गया, और दोनों मिलकर एक शब्द बनाए हैं 29। तो
तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी एटेक क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।